सहित राज्यों में वरसाद ने लीधे ट्रेन व्यवहार ने पण असर थई हती। सोमवारे डभोई एकतानगर सेक्शन पर पाणी भराता वाराणसी अमदावाद साबरमती एक्सप्रेस 7 कलाक मोड़ी पड़ी थी। ज्यारे इंदौर मुंबई सेंट्रल, जयपुर मुंबई सेंट्रल, योगनगरी ऋषिकेश कोचुवेली आ ट्रेनों 7 कलाक मोड़ी पड़ी थी। न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस पण 4 कलाक मोड़ी पड़ी थी। गुजरात में भारे वरसादना कारणे ट्रेन व्यवहार पर भारे असर जोवा मळी रही छे। वरसादना कारणे डभोई एकतानगर सेक्शन पर वरसादी पाणी भराई जता अनेक ट्रेनों मोड़ी पड़ी थी, जेथी मुसाफरोने मुश्केली सहन करवानो वारो आव्यो हतो। त्यारे निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस 5 कलाक, जयपुर बांद्रा 3 कलाक, अमृतसर बांद्रा 2 कलाक मोड़ी पड़ी थी। मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली तेजस 3 कलाक, मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन ऑगस्ट क्रांति 4 कलाक, बांद्रा टर्मिनस जयपुर 4 कलाक, मुंबई दिल्ली दुरंतो 1 कलाक मोड़ी रही थी। दादर एकतानगर ट्रेन वडोदरा सुधी दौड़ावाई थी। एकतानगर दादर ट्रेन और एकतानगर वाराणसी ट्रेन वडोदरा थी उपाड़वामां आवी हती। गोरखपुर अमदावाद, उदयपुर मैसूर, निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल और इंदौर गांधीनगर ट्रेन ने ड्राइवर्ट करीने वॉटर लॉगिंग सेक्शन वच्चे न आवे ए रीते दौड़ावाई थी। मंगलवारे भारे वरसादना कारणे सूरत रेलवे स्टेशन पर केटलीक जग्याए प्लेटफॉर्मनी छत परथी पाणी पड़वा लाग्युं हतुं, जेने लीधे मुसाफरोए हालाकी भोगवी पड़ी हती। ट्रेनो लेट होवाने लीधे मोटी संख्यामां मुसाफरो सूरत रेलवे स्टेशन पर अटवाया हता। 11/12 की रात में, मतलब 12 तारीख मॉर्निंग में गोधरा यार्ड में बरसाती पानी का ज़्यादा लॉगिंग हो जाने के कारण कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो गई थी। डाउन गाड़ियाँ तो धीरे धीरे हमने चला दी थी, मगर अप गाड़ियों में 3 गाड़ी डाइवर्ट की थी। इसमें एक इंदौर गांधीनगर शांति एक्सप्रेस, दूसरी थी गोरखपुर अहमदाबाद और तीसरी 1295 फॉर अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। इंदौर गांधीनगर और गोरखपुर अहमदाबाद को रतलाम से चित्तौड़ होकर के अजमेर वाया पालनपुर होकर के अहमदाबाद रूट पर डाइवर्ट किया था, और 1295 फॉर अगस्त क्रांति राजधानी को नागदा भोपाल जलगांव और बारडो नंदुरबार होकर के नवसारी वाले रूट पे डाइवर्ट किया था। 1295 फॉर जो सुबह 6:15 सूरत में आती है, वो शाम को 8 बजे नवसारी आई, और नवसारी आने के बाद में जो दिल्ली से बैठे हुए यात्री जिनको बड़ौदा, भरूच और सूरत उतरना था, उनके लिए रूट उल्टा हो गया था, तो उनको हमने नवसारी में उतारा और कन्वीनियंट गाड़ी में सभी को एकोमोडेट करके सूरत, क्रमशः सूरत, भरूच और बारडोली बड़ौदा के लिए सबको हमने एकोमोडेट करवाया। डाइवर्ट करने का कारण था गोधरा यार्ड में बरसाती पानी का लॉगिंग हो जाना, पानी भर जाना। फिलहाल नॉर्मल है और गाड़ियां दोनों दिशा में चल रही है। आने वाले दो समय में अति भारी वर्षा की आगाही है सर, अगर ऐसा कुछ सूरत स्टेशन या सूरत लाइन पर मिले तो इसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए हम पूरे प्रयास में हैं। जहाँ जहाँ कम हाइट वाला एरिया है, वाटर लॉगिंग की संभावना है, वहाँ पे पंप रखे हुए हैं, और किसी कारणवश गाड़ी खड़ी हो जाती है या डाइवर्ट करने की या रेगुलेट करने की नौबत आती है, तो स्टेशन के सारे कर्मचारियों को अलर्ट रखा है और कैटरिंग यूनिट्स को खास करके बोल के रखा है कि ऐसे में खान पान की सेवाएँ यात्रियों के लिए उपलब्ध करवा के रखें।